पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सीट यानी कि राज्यसभा की राजस्थान वाली सीट खाली होने के बाद अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव राजस्थान से लड़ने जा रही हैं। जी हां, उनके नाम की घोषणा मंगलवार देर रात हो चुकी थी। बुधवार सुबह वो जयपुर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे। एयरपोर्ट के बाद सोनिया गांधी विधायकों से मिली और उसके बाद पहुंची विधानसभा। यहां विधायकों से जिस समय वो मुखातिब हो रही थी, उस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान से चुनाव लड़ने के लिए सोनिया गांधी का धन्यवाद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बल मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी है और पूरे राजस्थान में मैम इस निर्णय का इतना ज्यादा शानदार स्वागत हो रहा है कि इससे हमें बहुत बल मिलेगा, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और राजस्थान में हम आपके नेतृत्व में और प्रदेश आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा लोकसभा में प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा नामांकन के लिए सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची है। यहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। राजस्थान से सोनिया गांधी के अलावा हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे का नाम भी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से घोषित किया गया है। सोनिया गांधी जिस सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट है। सोनिया गांधी के साथ इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि निर्विरोध चुनाव होने के कारण 27 फरवरी को वोटिंग नहीं होगी, 20 फरवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है, तो इसी दिन शाम को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के हिसाब से एक सीट के लिए 51 विधायकों के वोट चाहिए। बीजेपी के पास 115 विधायक है, इसलिए दो ही सीट जीत सकती है। तीसरी सीट जीतने के लिए बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है और उसके पास तीसरी सीट के लिए केवल 13 वोट है। जीतने के लिए 38 विधायकों के वोट और चाहिए, जो असंभव है। कांग्रेस की भी स्थिति यही है, कांग्रेस के पास 70 विधायकों के वोट है। एक सीट पर जीत के लिए 51 वोट चाहिए, इसलिए कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जीत तय है। दूसरा उम्मीदवार जितवाने की संख्या कांग्रेस के पास भी नहीं है। दूसरा उम्मीदवार अगर कांग्रेस उतारती है तो उसके पास केवल 19 वोट बचते हैं, जो बहुत कम है। जीतने के लिए 32 और वोट चाहिए, जो मौजूदा हालात में संभव नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने रविवार को ही सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की मांग का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग रखी गई थी। मंगलवार को जब सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया तो इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई आला बड़े नेता मौजूद थे। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।